आप ये देख सकते हैं एसपी एसपी के ऊपर हमला किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, और आप ये देख सकते हैं सिर्फ फायर हो रहे हैं, आप ये देख सकते हैं हवाई फायरिंग शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं। पुलिस के ऊपर हमला कर दिया है तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने, आप ये देख सकते हैं पुलिस यहाँ से मुंतशिर हो गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पता हंगामा राई हो चुकी है, यहाँ से पुलिस मुंतशिर हो गई है, पुलिस फरार हो गई है, आप ये देख सकते हैं। जो ग्रीन नुमाइश का स्टेशन है ग्रीन बस का, उसको तोड़ दिया गया है और ये कारकुनान की तरफ से आप ये देख सकते हैं बुरे हालात हैं इस वक्त, और कारकुनान आसिफ आसिफ पुलिस हवाई फायरिंग कर रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान उनके ऊपर पथराव कर रहे हैं और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, सरकारी इमलाक को, और ये कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की तरफ से यहां से मुंतशिर हो जाएं, और पुलिस की भारी नफरियां मौजूद थी और वो फरार हो चुकी है इस वक्त, यहाँ से भाग चुकी है पुलिस। आप क्या कह सकते हैं कारकुनान हालत इतने नहीं है, 100-250 कारकुनान है जिनको पुलिस संभाल नहीं सकी और पुलिस बैकवर्ड हो चुकी है इस वक्त। इलाका फायरिंग से गूंज उठा है और पुलिस की जानिब से हवाई फायरिंग की जा रही है और आप ये देख सकते हैं जो ये नुमाइश का स्टेशन है ग्रीन लाइन का, उसके भी नुकसान पहुंचाया गया, उसमें जो गमले मौजूद थे। नहीं मारना नहीं है किसी को, ये गमले तोड़ दिए हैं, कुर्सियां तोड़ दी हैं, आप ये देख सकते हैं बुरे हालात हैं, ये टेंट लगा हुआ था टेंट भी तोड़ दिया है। अब ये तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ मौजूद और पथराव कर रहे हैं पुलिस के ऊपर, आप ये देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पुलिस यहाँ थी, पुलिस यहाँ से भी भाग चुकी है इस वक्त, फरार हो गई है। ये हालात हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं नुमाइश के ये गमले टूटे हुए हैं और ये मामला चल रहे हैं इस वक्त। हालात देखें आप, पीटीआई के कारकुनान पहुंच चुके हैं और यहाँ से गमले उठा के तोड़े जा रहे हैं, यहाँ टेंट लगा हुआ था टेंट को भी तोड़ दिया गया है, अब यहाँ पुलिस नाम की कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही,
पुलिस की एक गाड़ी ये मौजूद है, आप देख सकते हैं इसमें पुलिस अहलकार ही नहीं है, सिर्फ ड्राइवर मौजूद है। और ये दोनों गाड़ियां वो हैं जो एसपी गुलशन के पास भी मौजूद है और एसपी इन्वेस्टिगेशन अबरेज़ अली अब्बासी की गाड़ी है, और वो गाड़ी छोड़कर यहाँ से मुंतशिर हो गए हैं। और वो शायद पुलिस मोबाइल लेकर गए हैं यहाँ से, क्योंकि एकदम अचानक उनके ऊपर भी पीटीआई के कारकुनान हैं वो हमलावर हुए थे। और अब देखना ये है कि आया पुलिस क्या लाया अमल तय करेगी जिसके बाद इनको मुंतशिर किया जाएगा। और डरो अल्लाह से, वो बेचारे के पास क्या कमी है, वो जो साइन करते 18 करोड़ की। ये सूरत हाल है इस वक्त, आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान नुमाइश पर पहुंच चुके हैं और बड़ी तादाद मौजूद है और मुश्तहिल कारकुनान है जिनकी जानिब से फायरिंग भी की गई है और पथराव भी किया गया है पुलिस की जानिब से, पुलिस के ऊपर, और उसके बाद पुलिस की जानिब से इनके ऊपर शेलिंग की गई है और हवाई फायरिंग भी की गई है। अब ये सूरत हाल है, पुलिस यहाँ से जा चुकी है और देखना यह है कि अब पुलिस क्या नई हिकमत अमली के साथ यहाँ आएगी और क्या मामलात होंगे। ये आप देख सकते हैं शेल के खोल पड़े हुए हैं, जो शेल फेंके गए थे, ये शेल है, शेल का खोल है जो यहाँ फायर किए गए हैं अब से कुछ देर पहले। मोबाइल अब से कुछ देर पहले सूरत हाल जो थी वो पुलिस के कंट्रोल में थी, लेकिन अब पुलिस की कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध के कायदीन हैं उन्होंने भी आना शुरू कर दिया है और बड़ी तादाद इस वक्त पहुंच चुकी है। और कराची के खास और वो जो कायदीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो आ चुके हैं इस वक्त। एक साइड से आप देख सकते हैं पुलिस शेलिंग कर रही है और दूसरी तरफ से तमाम वर्करों से गुजारिश है वापस
व्यवस्था की तरफ आ जाएं। तमाम वर्करों से गुजारिश है, अली भाई का पैगाम है, सारे इस तरफ आ जाएं। तमाम वर्करों से गुजारिश है, मजार के तकद्दस का ख्याल रखा जाए। तमाम वर्करों से गुजारिश है, मजार के इतराफ में वापिस आ जाएं। यहाँ पर नमाज की तरह सफे बिछा के सारे लोग अलाइन हो जाएं। तमाम लोग सफों की सूरत में आगे हो जाएं, कालीन बिछा दिए जाएंगे। तमाम वर्करों से गुजारिश है, हम मंजिल पे आ गए। देखो मेरी गुजारिश है अपने पाकिस्तान के लिए आप ये मज़ार कायद में से आप देख सकते हैं, मज़ार कायद में से पुलिस एहलकार फायरिंग कर रहे हैं, हवाई फायरिंग है। और ये बोला जा रहा है कि इस गाड़ी को छोड़ दिया जाए, मोबाइल वैन है इसमें यहाँ से। की आप आवाज सुन सकते हैं इस वक्त। फायरिंग स्टेट फायरिंग की जा रही है पुलिस की जानिब से। कायदे आजम के मजार में से फायरिंग की जा रही है, आप देख सकते हैं पुलिस की जानिब से। और अब ये सूरत हाल है, आवाज़ें सुन सकते हैं फायरिंग की पुलिस की जानिब से, जो फायरिंग की जा रही है। इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है, जो पुलिस यहां से मुंतशिर हुई थी वो जाके कायदे आज़म के मज़ार में है और वहां से फायरिंग कर रही है। हवाई फायरिंग भी की जा रही है, शेलिंग भी की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो पुलिस के अमलाक है और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचा रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। और जो मोबाइल वैन है उसके ऊपर भी ये पुलिस, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान है उन्होंने दावा बोला था। और अब वहाँ पुलिस पहुँच चुकी है और पुलिस की जानिब से फायरिंग की जा रही है।